हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, जो भी हो। आजकल तो एक नया चीज़ भी सुने आता है, वेप बोल के, जो इलेक्ट्रिक सिगरेट बोलते हैं, या ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसमें भी वही साइड इफेक्ट। अब अपन अपने आप को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं ये सोच के कि इसमें वो साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कम साइड इफेक्ट है, उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट है। सब में साइड इफेक्ट है, आप ये बात समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। अल्लाह ताला आपको इतनी अच्छी सेहत दिया, आप गैर ज़रूरी के फजूल आदतों में गिर के इसको ऐसा अपनी सेहत को ख़राब मत करिए आप। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है, मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं यहाँ डेली 12 PM टू 5 PM अवेलेबल हूँ। आज आपके सामने आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल के नौजवान बच्चे जो हुक्का या शीशा बोल के जो बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, और वो लोग को एक गलत फहमी है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो समझते हैं कि हुक्का पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उसमें फ़िल्टर रहता, या फिर वो जो फ्लास्क है उसके अंदर पानी रहने की वजह से जो टोबैको के टॉक्सिन है वो अब्जर्व हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बोल के। सो मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ अपने पूरे नौजवान भाइयों दोस्तों से, जो हैदराबाद या सराउंडिंग एरिया में जो कम उम्र में ज़्यादा हुक्का मारने के उसमें हैं। ये लोग समझते हैं कि हम खाली ओकेशनली स्मोक हुक्का मार रहे, या फिर हम लोग खाली क्या बोलते हैं पार्टीज़ में करते, रेगुलर नहीं है। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप एक बार मारिए या 10 बार मारिए, उसका साइड इफ़ेक्ट तो होने वाला है। ऐसा कहीं नहीं लिखे हुआ है कि एक बार स्मोक करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि बहुत सारे स्टडीज़ में बताया गया है कि एक सेशन ऑफ हुक्का, जो जैसा मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करने वाले कोलीग है जो हुक्का मारते हैं शीशा, जब भी पार्टीज़ में जाता हूँ मैं देखता हूँ, और मैं वो लोग को बोलता भी हूँ कि जो एक सेशन जो हुक्का का होता है, जो वो लोग बोलते हैं कि वो कुछ टोबैको यूज़ करके, वो फ्लास्क में यूज़ करके जो करते हैं, उसमें इतना निकोटीन रहता है जितना 60 to 100 सिगरेट्स में रहता है। तो इमेजिन करिए, अगर समझिए एक हुक्का का सेशन जो चल रहा है, एक साथ 60 to 100 सिगरेट्स आप बर्न कर रहे, बर्न करके मेरे ख्याल से जितना मैं देखा हूँ जानता हूँ, वो एक पॉट जो बोलते हैं, जो फ्लास्क जो रहता है, वो 4 से 5 लोग एक के बाद एक पफ लेते हैं, कश लेते हैं। तो इमेजिन करिए अगर 100 सिगरेट्स का एक हुक्का सेशन रहा, तो हर एक बंदा 1-2 घंटे में 20 सिगरेट स्मोक करना एक साथ, तो इमेजिन करिए उसका साइड इफ़ेक्ट कितना हो सकता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो समझनी है कि ये है कि ये तो हुक्का अच्छी चीज़ नहीं है, इससे ऐसा कहीं नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। अपने नौजवानों में गलतफहमी है कि हुक्का पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं नवाबी स्टाइल है, बेशक होंगे शायद, बट इससे साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। और वो लोग को गलतफहमी है कि उसमें जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं उससे पूरे टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब हो जाते, या फिर जो पॉट बोलते हैं फ्लास्क झुक्के का होता है, उसमें जो पानी होता है उसमें टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब हो जाते, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सब गलतफहमी है और वहम है, वो खुद ब खुद अपने कम दिमाग में चीज़ें फीड कर लेके ऐसा महसूस करते हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी नौजवान से, और जो भी नौजवानी नहीं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या मिडिल एज के जो भी है, जो हुक्का पीते हैं या फिर हुक्का मारते हैं, सो उनसे गुजारिश है कि मत करिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि पहले तो सिंपल चीज़ बताऊँगा मैं, जो हुक्के का पाइप होता है वो 5 लोग एक के एक मुँह में रखते हैं, एक दोस्त पहले लेता है, फिर वही हुक्के का पाइप दूसरा दोस्त उनके मुंह में लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। इसके बाद अगर अपन एज वाइज अगर हुक्के के साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं, अगर कोई नौजवान बच्चा आज के दिन अगर हुक्का मारता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट दिन उसका लंग डैमेज होने का डर रहता है, और उसकी वजह से उसके लंग्स कमज़ोर होना, दम चढ़ना, खांसी का प्रॉब्लम होता है। और ये बच्चा जब शादी की उम्र में आता है, तो ये हुक्के की वजह से उसको बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं, जिसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं समझते, हम खुद हमारे प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं स्मोकर्स या फिर हुक्का पीने वाले ये चीज़ से परेशान रहते हैं, या किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ये सब गलत शौकों में पढ़ के अपनी जवानी ख़राब करते हैं। अपनी अच्छी खासी सेहत जो अल्लाह ताला आपको दिया, जो अच्छी सेहत दिया उसको आप आपके हाथों से ख़राब करते हैं, जो कि
जायज़ नहीं है, बहुत गलत काम है। और अगर समझिए उसके बड़े उम्र वाले अगर कोई हुक्का पी रहे हैं या ज़्यादा टाइम से हुक्का पी रहे हैं तो लोगों को COPD बोल के एक प्रॉब्लम होता है जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके मायने ये है कि उनके लंग्स जो है उनका जो सांस लेने का जो पाइप रहता है, जो विंड पाइप, ट्रेकिया बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती जिसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहती है। ऐसा नहीं कि कभी आती जाती, उन लोगों को कंटिन्यूस दम चढ़ने का प्रॉब्लम होता है। और हुक्का पीने की वजह से लंग कैंसर हो सकता है आपको, हुक्का पीने की वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है, हुक्का पीने की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे कि नॉर्मल सिगरेट से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे हुक्के से भी उतने ही साइड इफ़ेक्ट, बल्कि अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्यों? वो तो सिगरेट पीने वाला दिन में अगर एक पैक सिगरेट पी रहा है तो 10 सिगरेट उन्हें 12 घंटे में पीता, आप 2 घंटे में 20 सिगरेट फूंक दे रहे हैं आप, तो आप समझिए इसका कितना साइड इफ़ेक्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, नौजवान बच्चों से खास करके, आपकी उम्र बहुत कम रहती है, आपका ग्रोथ का पीरियड रहता है, आप अच्छे अपना मुस्तकबिल बनाने पे फोकस करिए, ना कि ये हुक्का पार्टी पे, हुक्का शीशा और ये सब गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि हुक्का पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हुक्का पीने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आपको अभी बोला हूँ, और आप और उसमें ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हुक्का पीने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। तो आपकी गलत फहमी है कि हुक्का पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हुक्का पीने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ख़ासकर जो नौजवान बच्चे आजकल कॉलेजेस में या फिर छोटे मोटे पार्टीज़ में, फार्म हाउसेस पे जाके जो हुक्का लेके हुक्का सेशन मारते हैं। और इनफैक्ट मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हुआ जब गवर्नमेंट से हुक्का पार्लर्स बैन कर दिए गए थे, बट फिर मेरे को कुछ ऐसा न्यूज़ है, आई एम नॉट श्योर कि फिर हुक्का पार्लर खुलने वाले हैं या खुल गए, ऐसा कुछ चल रहा है। बट मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपकी सेहत के ज़िम्मेदार हैं, ना गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, ना आपके वालिद वालदा, ना आपके दोस्त, ना आपके बड़े, ना आपके असबाब भाई बहन, आपकी सेहत के ज़िम्मेदार है। यू आर इन चार्ज ऑफ़ योर हेल्थ। तो ये सब गलत काम मत करिए, ये सब गलत फहमी में मत रहिए कि हुक्का मैं कभी कभी मारता हूँ। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैं महीने में एक बार हुक्का मारता हूँ, या 2 महीने में एक बार, या कभी फ्रेंड्स के साथ ही मारता हूँ, 10 मिनट मारता हूँ, 15 मिनट मारता हूँ। आप कितनी देर भी मारिए, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको होना है, कैसा भी होते। तो ये सब गलत फहमी में मत रहिए। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हुक्का बंद कर दीजिए, ये आपकी सेहत ख़राब हो रही है, इसमें दूसरे किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो आप समझिए जो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता चुका हूँ, आप उस पर गौर व फिक्र करिए। खुदा ना खास्ता आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो गए तो फिर उसके इलाज के पीछे आपको कितनी परेशानी, तकलीफ़ होती, आपको कितने इश्यूज़ होते। तो समझिए, हुक्का बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुक्का छोड़ के सिगरेट पीजिए उसमें कम साइड इफ़ेक्ट है बोल के। कोई सी भी चीज़ स्मोक मत करिए आप, वो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जब आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के पैकेट पे लिखे हुआ आता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज़ कैंसर बोल के। आप पढ़े लिखे हुए रह के या पढ़े लिखे नहीं भी है, आपको मालूम है वो करता है, फिर भी आप स्मोक करते हैं। और मैं जितना देखा हूँ कि हुक्के के लिए जो टोबैको यूज़ करते हैं, वो टोबैको के डब्बे पर भी लिखा हुआ होता है दिस कॉजेस कैंसर, टोबैको कॉजेस कैंसर, फिर भी नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग वो गलत फहमी में रहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, कभी एक बार स्मोक करने से क्या होता बोल के। मैं मेरे प्रैक्टिस में देखा हूँ ये शुरू ऐसे ही होता है, दोस्तों के साथ बैठ के एक सिगरेट, एक पफ, एक हुक्का सेशन बोल के होता, बट बाद में इसकी आदत गिर जाती है आपको और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। और समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये भी है कि ये जो हुक्का या स्मोकिंग वैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसका इलाज भी उतना आसान नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपको हार्ट अटैक आ गया, आप सोचते हैं कि हार्ट अटैक का इलाज उतना आसान है? अल्लाह ना करे कभी किसी को आइए ये हार्ट अटैक आए, बट कभी किसी को आया है तो आप जाके देखिए, उनसे पूछिए, बैठ के बात करिए कैसी कैफियत रहती जब हार्ट अटैक आता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जान जाने वाली है। कभी जाके पूछिए जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही आपको नहीं मालूम है। आप उसके बारे में जानिए, कोशिश करिए कि हुक्का पूरे को बंद करने के लिए। आपसे यह रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हुक्का, शीशा, पॉट, अलग अलग नाम से कहा जाता है,
बट सब में वही चीज़ रहती है, वही टोबैको है, वही साइड इफेक्ट है, वही कैंसर कॉज करने का है उससे, उससे हार्ट अटैक आता, उससे स्ट्रोक आता, उससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते। तो आप समझिए कि हुक्का, सिगरेट, बीड़ी जो भी हो, आजकल तो एक नया चीज़ भी सुने आता है वेप बोल के, जो इलेक्ट्रिक सिगरेट बोलते हैं या ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसमें भी वही साइड इफेक्ट। बस अपन अपने आप को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं ये सोच के कि इसमें वो साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कम साइड इफेक्ट है, उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट है। सब में साइड इफेक्ट है, आप ये बात समझिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। अल्लाह ताला आपको इतनी अच्छी सेहत दिया, आप गैर ज़रूरी के फजूल आदतों में गिर के इसको, ऐसा अपनी सेहत को ख़राब मत करिए आप।